Assalamualaikum guys, welcome to Ahad Animates. पिछली वीडियो में हमने मेश के बारे में सीखा। इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर के दो बेसिक मोड्स के बारे में बताऊंगा, एडिट मोड एंड ऑब्जेक्ट मोड। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर। एक मिनट, सब्सक्राइब किया नहीं किया? पहले सब्सक्राइब करें फिर मेरे साथ आए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बीच में डिफरेंस क्या होता है और एडिट मोड है क्या। अच्छा, ऑब्जेक्ट मोड में हम चीजें ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह बेसिक चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन एडिट मोड में हम ये कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की वर्टिसेस, एज या फिर फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट मोड में हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो पूरा होल ऑब्जेक्ट मतलब सिलेक्ट होता है, ठीक है, कोई वर्टिसेस नहीं सिलेक्ट होती, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट मोड में हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी ना वर्टिसेस सिलेक्ट होती है ना एज सिलेक्ट होती है, ठीक है। अब जब आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाके देखेंगे तो ऑब्जेक्ट मोड का ऑप्शन लिखा होगा, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो देखें आगे और भी ऑप्शन आ गए, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ एडिट मोड के बारे में बात करनी है, तो हम जाएंगे एडिट मोड में। एडिट मोड प्रेस किया या फिर इसका शॉर्ट की है टैब। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में टैब दबाएंगे तो आप एडिट मोड में जाएंगे, एडिट मोड में टैब दबाएंगे तो ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, ठीक हो गया। अब देखें, मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, मैंने टैब दबाया, दिस इज एडिट मोड। अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे यहाँ पर और भी ऑप्शन आ गए, देखिए ऑब्जेक्ट मोड में कम ऑप्शन है, ठीक है, और एडिट मोड में इतने ज्यादा ऑप्शन है। अब देखें हमारा क्यूब ऐसे है ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। अब एडिट मोड में जाएंगे तो देखें उसके वर्टिसेस भी हमें नजर आएंगे, ठीक हो गया। तो सबसे मजे की बात बताऊं क्या है, ऑब्जेक्ट मोड में हम ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस, एजेस या फेसेस सिलेक्ट करके रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं, और इससे हम कोई शेप भी बना सकते हैं। अब देखें, मैं कोई भी वर्टिसेस सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखें, और इसको मूव भी कर सकता हूँ। फिर इस तरह मैं मल्टीपल शिफ्ट दबा के मल्टीपल वर्टिसेस सिलेक्ट करके इसको छोटा भी कर सकता हूँ। देखिए ना मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मैंने ये इतनी खूबसूरत शेप बना ली, मजाक कर रहा। अच्छा, अब आप एडिट मोड वाले ऑप्शन के साथ तीन ऑप्शन और देखेंगे। पहला ऑप्शन ब्लू हाईलाइटेड हुआ होगा, इसका मतलब है वर्टिसेस सिलेक्ट, ठीक है। दूसरे ऑप्शन का मतलब है एज सिलेक्ट, और तीसरे ऑप्शन का मतलब है फेस सिलेक्ट, ठीक है। अब जब मैं दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें, अब मैं एज सिलेक्ट कर सकता हूं। पहले ऑप्शन में क्या होता था, हम लोग वर्टिसेस सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, और हिला मूव कर सकते थे और वो सब। अब एज सिलेक्ट में हम जाएंगे, अब देखें हम एडिट मोड में वर्टिसेस के अलावा एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, फिर इधर मूव करता हूँ, यहां से रोटेट करता हूँ। थर्ड ऑप्शन मतलब फेस सिलेक्ट पे जाएंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये देखें, इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया, मूव कर लिया और स्केल डाउन कर दिया, इसको भी मैंने स्केल अप कर दिया ऐसे, ठीक है, इस वाले को मैंने स्केल डाउन कर दिया। तो हम ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, इतना प्यारा माउंटेन है। और जब टैब दबाएंगे तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, और जब टैब दबाएंगे तो दोबारा टैब दबाएंगे तो एडिट मोड में आ जाएंगे। मैं आपको कुछ बनाकर दिखाता हूँ। टैब में गया, इसको डिलीट करें, शिफ्ट ए मैश, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। यहां से हम ले लेते हैं मंकी हेड, ठीक है, मंकी हेड ले लिया, ठीक है। अब टैब में जाते हैं, टैब में गए, ठीक है। अब अभी हम फेस सिलेक्ट में हैं, तो फेस सिलेक्ट में हम सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बाय प्रेसिंग शिफ्ट। कंट्रोल जी टू अंडू, ठीक है। अब ये मैं सिलेक्ट करता हूं इसकी नोज, एज सिलेक्ट में गया, ठीक है, एज सिलेक्ट में कुछ सिलेक्ट करना नहीं, ठीक है, गया। अब मैं जाता हूँ वर्टिसेस सिलेक्ट में, ठीक है। अब जब मैं इसको वाई एक्सिस पे मूव करता हूँ
और स्केल अप कर स्केल डाउन करता हूँ या स्केल अप ही करने, ठीक है। हमने वैसे भी मंकी को अगली बनाना है, तो बेशक स्केल डाउन करने अप करने मर्जी है। अब इसके मैं ऊपर वाली वर्टिसेस सेलेक्ट करता हूँ, इसको कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। इन तीन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके इसको नीचे कर देता हूँ और स्केल कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस वर्टिसेस को सेलेक्ट करता हूँ, इसको स्केल कर देता हूँ, या इसको नहीं, इनको, इन दोनों को सेलेक्ट करके। अब इसको ऐसे, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे करके कोई भी शेप बना सकते हैं। तो गाइस आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।